अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम पे हमें कतई भरोसा नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ह्यूमन मेड मशीन है ये, और मशीन से हेरा फेरी की जा सकती है, और इसका जो है पूरा प्रयोग हरि प्रसाद जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका में हैं, उन्होंने करके दिखाया था और देश छोड़ना पड़ा उनको। और हमारे भारत में है सर, उससे चुनाव में मिलना नहीं चाहते लेके आए थे। हाँ, तो ये ह्यूमन मेड है और ह्यूमन मेड मशीन से छेड़छाड़ संभव है। दूसरी बात है कि हमारा जो ये विरोध था, पहले भी हम लोगों ने लगातार विरोध किया है, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो सामाजिक संगठन की एक सीमा होती है, और हमारा जो विरोध है इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्शन है, जो हमारा डाउट है, जो शंका है, इसलिए भी और पुख्ता होता है कि अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका के किसी अधिकारी प्रवक्ता ने ये कहा है कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर हुए हैं। तो हमें ये पूछना है कि आपसे किसी ने ये पूछा था कि भारत में कैसे चुनाव हुए थे? अगर ये फेयर हुए हैं तो फिर अमेरिका में ईवीएम से क्यों नहीं चुनाव होता है? आपको भारत के पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन पे आपको कमेंट करने के लिए किसने कहा था? तो अगर फेयर हो रहा है तो अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ये कहीं गुप्त रूप से भारत अमेरिका के बीच में कोई डील हुई है, और लोग चाहते हैं कि भाई अमेरिका से सर्टिफिकेट ले लें कि यहाँ फेयर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। अभी क्विंट का रिपोर्ट छपा है और उसके पहले भी मशीनें गायब हुई हैं, मशीनें कहीं फेंकी गई पाई गई हैं, उसमें हेरा फेर, अखबार की तमाम रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है, और क्विंट का रिपोर्ट आया है उसमें से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने जिक्र किया है कि कांचीपुरम में 12,14,086 वोट पोल्ड हुए और काउंट हुए 12,32,417, डिफरेंस है 18,331। धर्मपुरी में 11,94,440 वोट पोल्ड हुए, 12,12,331 काउंट हुए, डिफरेंस है 17,871। श्री पेरम्बदूर में 13,88,666 वोट काउंट हुए, पोल्ड हुए, काउंट हुए 14,03,178, डिफरेंस इज 14,512। मथुरा में 10,88,206 पोल्ड हुए और काउंट हुए 10,98,112, डिफरेंस 9,906। अब सवाल है, ये मेल क्विंट ने पूरा स्टोरी बनाया है कि मेल बार बार लिखते रहे और मेल का जवाब नहीं आया, अल्टीमेटली शायद कुछ उसमें से इरेज कर दिया गया है डेटा। अब सवाल है कि जब 77 और 80 में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो 3 दिन में चुनाव नहीं बढ़ जाते थे, और 1-2 दिन में गणना भी हो जाती थी। अब आप 2 महीने चुनाव करवा रहे हैं, इसके बीच हेरा फेरी होने की तमाम संभावनाएं हैं। नियम के अनुसार से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको 2 घंटे के, हर 2 घंटे पे उनको अपडेट करना होता है कि कितना वोट गिरा। तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब तक डेटा अपडेट करने में और जो ये आंकड़े दिए गए हैं उसको वेरीफाई करने में इतना वक्त क्यों लगा? ये सब सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में हैं। डॉक्टर रतन लाल जी, एक सेकंड, मुझे लेट मी कंप्लीट कि ये सारे डाउट्स हैं, इसलिए हमें लगता है कि दुनिया के तमाम देश जहाँ पे कि ईवीएम का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हम लोग बोरो करते हैं यूरोप अमेरिका से, तो वहाँ पे जब ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ ही जजमेंट दिया है, तो जब वहाँ नहीं हो रहा है तो भारत में चुनाव ईवीएम से कराने की क्या बाध्यता है? इसलिए इसमें हमें संदेह लग रहा है, मुझे लग रहा डाउट है कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही जो है भारत में, उसमें लोकशाही की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हेराफेरी हो रही है। इसलिए संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हो। और देखिए, राजनेताओं से भी अपील है कि पॉलिटिकल पार्टी जो चुप है, आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, ये हार जो है या जीत जो है रिग्ड हार और जीत है, और इसमें आपको बाहर आना पड़ेगा, और संविधान बचाओ संघर्ष समिति से के मन से देश के तमाम संगठन, जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है, उनसे अपील कर रहे हैं कि 8 तारीख को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कैंडल मार्च, कहीं जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं आपके शहर में, आपके कस्बे में, अपने झंडे के तहत, अपने बैनर के तहत जितने लोग हो सके मोबिलाइज कीजिए, इकट्ठे होइए, और ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में एक कैंडल मार्च या कैंडल प्रोटेस्ट आयोजित करें। हम लोग 8 तारीख को, हम लोग दिल्ली में, 8 जून को हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसलिए देश के तमाम संगठन, नेता चुप हैं, नेता पहले भी बहुत सारे इशूज़ पे चुप रहे हैं, चाहे वो 2 अप्रैल हो, चाहे 5 मार्च हो, देश की जनता, आवाम जो है इंसाफ पसंद लोग सड़क पे आए थे,
तो लोहिया कहते थे कि जब सड़क सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो इसीलिए जो सामाजिक संगठन है, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस ईवीएम के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज करें, प्रतिरोध करें। और 8 जून को एक प्रतीकात्मक भारत के हर शहर के लोगों से अपील है कि आप अपने अपने यहाँ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी हों, कैंडल जला के इसका विरोध करें। और चूंकि इलेक्शन, हम लोग सामाजिक संगठन है, हम लोग का काम है संविधान, जो गैर संवैधानिक जो बातें होती हैं उसके खिलाफ हम लोग ये बात उठाते हैं। तो जितने सामाजिक संगठन हैं उनसे अपील है, राजनीतिक दलों से अपील है कि इसको मुद्दा बनाया जाए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकली ही रिजॉल्व होगा, इसको पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व किया जाएगा, पार्लियामेंट में ही नए कानून बनेंगे। इसलिए नेताओं को आगे इस इशू पे सवाल उठाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।